नाउ से प्राइस पहले यहां पे अभी कोई तो एक पॉइंट होगा जहां पे प्राइस फर्स्ट ओपन होगी राइट अब प्राइस ओपन होगी इन द सेंस सपोज कि आज मंडे uh, है सपोज और 9:15 पे यहां प्राइस ओपन हुई ओके से 9:15 पे यहां प्राइज ओपन हुई सपोज सेवनटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड पे सपोज ये ओपनिंग प्राइज है ओके okay? उसके बाद प्राइस यहां गई ऊपर राइट ये ऊपर गई लेट से सेवनटीन थाउजेंड सिक्स फोर्टी फाइव तक फिर यहां से नीचे आ रही है प्राइस राइट ओके ये नाइन फिफ्टीन ए एम है यहां पे ओके नाइन फिफ्टीन ए एम है प्राइस यहां पे थी फिर यहां से प्राइस ऊपर गई हाइएस्ट सेवनटीन सिक्स फोर्टी फाइव पे गई फिर यहां पे और नीचे आ रही है प्राइस राइट लेट से लोवेस्ट सेवनटीन थाउजेंड फाइव सिक्सेंड फाइव प्राइस फिर से यहां से ऊपर आ रही है और नाइन थर्टी ए एम पे लास्ट ट्रांजेक्शन यहां पे हुआ इट मींस प्राइस क्लोज ही ये था सेवनटीन थाउजेंड लेट से फाइव

अब पहले ये वाले पार्ट पे आते हैं गईज अंडरस्टैंड प्राइस का मूवमेंट राइट right? कैसे कैसे हो रहा है ये हम लोगों को पास्ट का डेटा को जज करना है तो इसको जज करने का बेस्ट तरीका है पास्ट के डेटा को रीड करना है नॉट जज करना है पास्ट के डेटा को रीड करना है पास्ट की डेटा को रीड करने का सबसे बेस्ट मेथड है कैंडिस्टिक चार्ट ओके अब कैंडलस्टिक चार्ट में क्या होता है गाइस ये प्राइस यहां पे ओपन हुई और यहां पे क्लोज हुई मतलब प्राइस ऊपर ओपन होके नीचे क्लोज हुई तो ये जो कैंडल है इसका कलर रेड हो जाएगा राइट मतलब ये कैंडल आपको रेड कलर की दिखेगी कुछ इस तरीके से राइट और यही कैंडलस्टिक चार्ट को हम लोग स्टडी करते हैं अब ये नाइन फिफ्टीन एम का ओपनिंग प्राइस है थर्टी ए एम का क्लोजिंग प्राइस है पंद्रह मिनट के चार्ट को देख रहे हैं मतलब पंद्रह मिनट के हम लोग ने कैंडल को राइट अब सपोज यहां पे नाइन थर्टी पे मार्केट ओपन हुआ राइट यहाँ पे नाइन थर्टी पे ओपन हुआ मतलब नाइन फिफ्टीन ओपन होके ये वाली कैंडल नाइन थर्टी से स्टार्ट हुई राइट उसके बाद प्राइस यहां तक गई सपोज राइट right? और फिर यहां पे थोड़ा सा फॉल होके और यहां पे क्लोज हुई यहां पे क्लोज कब हुई नाइन फोर्टी ए एम पे राइट right? यहां पे क्लोज हुई अब गाइज अंडरस्टैंड नीचे प्राइस ओपन होके ऊपर क्लोज हुई तो ये कैंडल का कलर ग्रीन हो जाएगा राइट right? तो इट मीन्स ये पंद्रह मिनट की कैंडल ग्रीन है मतलब प्राइस यहां ओपन होके यहां क्लोज हुई थी इस पंद्रह मिनट पे ये कैंडल रेड है मतलब ये वाले पंद्रह मिनट में प्राइस यहां ओपन होके यहां क्लोज हुई थी ओके और ये जो आपको दिख रहे हैं राइट ये वाले जो आपको ऊपर एंड नीचे शेडोज दिख रहे हैं इसको हम लोग विक बोलते हैं विक डब्ल्यू आई सी के गाइस टेस्ट में क्वेश्चन है राइट इस पे टेस्ट पे क्वेश्चन है मेरे टीम ने टेस्ट बनाई है ओके और ऐसे टीम ने बनाई है लेट्स से जो बहुत टफ टेस्टिस बनाते हैं बट स्टार्टिंग के टेस्टिस इजी हैं फिलहाल राइट तो एक इसमें उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है विग राइट तो आप लोग प्लीज विग वाला ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना टेस्ट में विक वाला करना राइट विक डब्ल्यू एस सी के ओके सो इसको हम लोग बोलते हैं विक ये जो ऊपर का कैंडल का ये दिख रहा है ना लाइन राइट इसको हम लोग बोलते हैं विक राइट right? और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी राइट सो ये कैंडल का बॉडी है ये कैंडल का विक है डब्ल्यू आई सी के विक राइट इसको हम लोग शेडो भी बोल सकते हैं शेडो ठीक <coughs> है सो विक बॉडी विक राइट Now understand guys, ये जो कैंडल का हाइएस्ट पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं राइट सो यह हाई प्राइस है और ये लो प्राइज है ओके सो ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस लो प्राइज हाई प्राइस सिमिलरली ग्रीन कलर कैंडल में सपोज कि इसका विक कुछ इस तरीके से है सपोज ठीक है तो यहां पे ये हाई ये लो ये ओपनिंग प्राइस ये क्लोजिंग प्राइस ओके तो अगर 15 मिनट्स का चार्ट होगा तो एक एक कैंडल 15 मिनट्स की होगी अगर फाइव मिनट्स का चार्ट होगा तो एक एक कैंडल फाइव मिनट्स की होगी अगर वन डे का चार्ट होगा तो एक एक कैंडल वन डे की होगी राइट right? सिंपल अब हम लोग पहले देख लेते हैं प्रैक्टिकली लाइव मार्केट में अगेन कि एक कैंडल बनती कैसे है? आप खुद देखोगे गाइस इसकी कैंडल बन रही है एक मिनट की कैंडल हम लोग देखेंगे राइट तो आप खुद देखना फिर से हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे फिर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे ओके अब ये फाइव मिनट का कैंडल लेट से बनेगा आपके सामने देखोगे आप राइट यहाँ पे दिस वॉज द ओपनिंग प्राइस ऑफ दिस फाइव मिनट्स राइट दिस फाइव मिनट्स मीन्स वॉट ओके अभी नया फाइव मिनट्स चालू हुआ ठीक है अभी नया कैंडल बन रहा है राइट आप देखो अभी यहां पे इसका प्राइस ओपनिंग है राइट right? यहाँ पे ओपनिंग प्राइस है ये न्यू कैंडल जो अभी बनना स्टार्ट हुई इसका ओपनिंग प्राइस यहाँ पे ठीक है सो ओपनिंग प्राइस क्या है आप खुद अभी मार्क कर लो टू टू फाइव सेवन पॉइंट टू एट फाइव सेवन वन पॉइंट टू एट राइट फाइव मिनट्स के बाद हम लोग देखेंगे गईस की ये कैंडल कहाँ पे क्लोज होती है राइट एंड अकॉर्डिंगली वी विल गेट द जजमेंट राइट सो लेट से टू टू फाइव सेवन वॉज समथिंग टू टू फाइव सेवन पॉइंट टू एट वॉज द ओपनिंग प्राइस राइट अब आप देखो हाईएस्ट ये हाइएस्ट कहा अभी, अभी, ना टू टू फाइव एट जीरो पॉइंट थ्री एट राइट अब तक का हाई ये था अभी और भी हाई जा सकता है राइट right? अब फिर ये लो बनाया यहां तक लो गई प्राइस राइट सो हाई बॉस

अच्छा है, ये ग्रीन एंड रेड हो रही है तो एटलीस्ट यूल अंडरस्टैंड राइट अभी टू मिनट्स और पर टू मिनट्स के बाद कैंडल क्लोज होगी ठीक है क्योंकि ये फाइव मिनट्स की कैंडल है हाई लो एंड क्लोजिंग अब ये तीनों पॉइंट्स अब तक डिसाइडेड नहीं है राइट right? ये तीनों पॉइंट्स फाइनल कब होगी लास्ट के सेकंड में फाइनल होगी राइट ये कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग प्राइस हमको पता है क्लोजिंग हाई लो ये हमको बाद में पता चलेगी राइट right? अब देखो फिर से उसी ओपनिंग प्राइस के आसपास ही है राइट इट इज रियली इंपॉर्टेंट गाइस क्योंकि जब आपको बिल्कुल बेस समझ में आ जाएगा ना तब आप लोग इसी चार्ट को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी रीड कर पाओगे फोर्टी सिक्स सेकेंड फोर्टी सेवन सेकेंड्स क्लोज होगी और फिर सीधा नेक्स्ट कैंडल बनना स्टार्ट हो जाएगी राइट right? और हमको यहाँ पे पता भी चलता है कि ये कैंडल क्लोज होने में कितना टाइम है क्योंकि क्लोजिंग प्राइस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्लोजिंग प्राइस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है वो भी आपको आगे पता चलेगा सो so क्लोज हो रही है अभी क्लोज हो रही है कैंडल थ्री सेकेंड्स टू सेकेंड वन सेकेंड गॉन राइट अब ये कैंडल क्लोज हुई टू टू फाइव सेवन एट पॉइंट फाइव पे अभी ये हाई बनाया कैंडल ने राइट right? अभी ये नेक्स्ट पे ट्रांजैक्शन हुआ ओके सो इफ यू कैन सी सीधा सीधा आपके सामने यहां पे अभी इसका हाई क्या बना था यहाँ पे आपको हाई दिख रहा है टू टू फाइव फोर पॉइंट थ्री फाइव लाइक दैट ओके आई होप दिस इज क्लियर गाइस राइट कि ये कैंडल आखिर बनती कैसे गाइज हम लोग हमेशा कैंडलस्टिक चार्ट क्यों यूज करेंगे क्योंकि कैंडलस्टिक चार्ट में ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस लो प्राइस हाई प्राइस चार पैरामीटर्स पता चलते हैं राइट लेकिन अगर आप लाइन चार्ट देखोगे लाइन चार्ट में सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग प्राइजेस पता चलती है ये सारे सिर्फ क्लोजिंग प्राइजेस हैं, यहाँ पे जो भी है ना ये सारे सिर्फ क्लोजिंग प्राइजेस हैं, ओके सो इसीलिए हम लोग ऑलवेज एंड ऑलवेज कैंडिस्टिक चार्ट ही यूज करने वाले हैं